हेलो दोस्तों, अगर आपकी जो है कुछ फोटोज डिलीट हो गए या फिर जानबूझ के आपने डिलीट कर दिया और अब आप चाहते हैं उनको वापस लाना, उनको रिकवर करना, तो आप कैसे अपनी फोटोज को, डिलीटेड फोटोज को रिकवर कर सकते हैं, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको प्ले स्टोर पर जाना है और आपको डिस्क डिगर टाइप करना है और इस ऐप को जो इंस्टॉल कर लेना है। मैंने यहाँ पर पहले से इंस्टॉल करके रखी हुई है, तो चलिए चलते हैं अब इस ऐप के अंदर। तो इस ऐप के अंदर जब हम जाएंगे तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं। सबसे पहली जो चीज़ है यहाँ पर है कि बेसिक स्कैन और लिखा है नो रूट। तो अगर आपका फ़ोन रूटेड नहीं है तो आप सिर्फ बेसिक स्कैन कर पाएंगे। बेसिक स्कैन के अंदर आपको सिर्फ फ़ोटोज़ ही रिकवर आप कर पाएंगे इस ऐप के थ्रू, अगर आप बेसिक फ़ोटो स्कैन करते हैं तो। और सेकेंड जो चीज़ है यहाँ पर फुल स्कैन, और उसके लिए आपको जो है आपका फ़ोन रूटेड होना ज़रूरी है। इसमें खास चीज़ आपको ये मिल जाती है कि फुल स्कैन के अंदर आपको सारी की सारी फ़ोटोज़ जो है यहाँ पर आप रिकवर कर सकते हैं, और अगर आप बेसिक स्कैन करेंगे तो उस बेसिक स्कैन के अंदर आपको जो है 90-95% जो है फ़ोटोज़ आप रिकवर कर पाएंगे, लेकिन फुल स्कैन के अंदर जो है आप सारी की सारी फ़ोटोज़ जो है रिकवर कर पाएंगे, और साथ ही के साथ आप जो है वीडियोज़ भी रिकवर कर पाएंगे फुल स्कैन के अंदर। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि रूटिंग से जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी कभी कभी हो जाती है फ़ोन्स के अंदर। तो आपके लिए काफ़ी रहेगा मेरे हिसाब से बेसिक स्कैन ही, क्योंकि यहाँ पर 90-95% जो है आपको फ़ोटोज़ आपकी रिकवर हो जाती हैं। तो चलिए मैं आपको अब बताता हूँ स्टार्ट बेसिक फ़ोटो स्कैन करके। यहाँ पर आपको जो है अब अलाउ कर देना है, और अलाउ करने के बाद ये देखिए आपकी जो स्कैनिंग है यहाँ पर शुरू हो चुकी है, और इसमें जो है काफ़ी देर भी लग सकती है, आप थोड़ा सा वेट करें। और जैसे जैसे जो आपकी जो डिलीटेड फ़ोटोज़ हैं वो रिकवर होने लगेंगी, तो यहाँ पर जो है आपका प्रोसेस पूरा दिखाने लगेगा। तो चलिए दोस्तों, अब जो है यहाँ पर हमारी काफ़ी सारी जो फाइल्स हैं वो रिकवर हो चुके हैं। ये देखिए काफ़ी पुरानी फाइल्स जो है ये मेरी है, और मैंने इनको डिलीट मार दिया था, और काफ़ी सारी जो है नीचे हो भी रही हैं, आप देख सकते हैं। तो मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पर पहली तीन जो फाइल्स हैं उसको अगर मैंने रिकवर करना चाहता हूँ, तो तीन को मैंने टिक कर लिया है और रिकवर यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, आपके पास तीन ऑप्शन आ रहे हैं कि अगर आप अपने फाइल्स को ईमेल, ड्रॉपबॉक्स या गूगल ड्राइव वगैरह इन सब चीज़ों में अगर आप सेव करना चाहते हैं तो आप फर्स्ट ऑप्शन दबाइए। सेकंड ऑप्शन ये है कि अगर आप अपनी फाइल्स को जो है कस्टम लोकेशन में अपनी डिवाइस के अंदर जो है लोकेट करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, या फिर मेमोरी कार्ड में सेव करना चाहते हैं, तो सेकेंड ऑप्शन दबाइए। और तीसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप FTP सर्वर पर अगर आप अपलोड करना चाहते हैं फाइल्स को, तो वो भी आप कर सकते हैं तीसरा ऑप्शन दबा करके। तो मैं सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर चुन रहा हूँ और मैंने क्लिक कर दिया, और ये देखो दोस्तों मेरी जो फाइल्स हैं वो रिकवर हो चुकी हैं। तो देखा दोस्तों आपने कितना आसान था अपनी डिलीटेड फोटोज़ को रिकवर करना। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं अगर आपको वीडियो पसंद आई, और सब्सक्राइब कर लिए मेरे चैनल अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है अभी तक, क्योंकि मैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, ख्याल रखें अपना।